कुर्सी का मोह और कुर्सी बचाने की फिक्र कैसी होती है, ये कोई मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से सीखे। बड़ा अजीब नजारा था, अपना घर टूटता देखकर कोई विक्ट्री का साइन बनाए। बड़ी विचित्र बात है कि आपसी लड़ाई का मोहरा भारतीय जनता पार्टी को बताया जाए। मुझे लगता है कि सबसे पहले अपने घर की फिक्र करनी चाहिए, लेकिन आरोप भारतीय जनता पार्टी और केंद्रीय नेताओं पर। लेकिन आज जो कुछ हुआ उसने शर्मसार किया राजस्थान की राजनीति को कि मुख्यमंत्री निवास फर्जी ऑडियो का केंद्र बन जाए और नेताओं के चरित्र हनन के प्रयास में। जी हां, विधायक ने तो इस बात को नकारा ही है, वो उनकी अपनी पार्टी के हैं, ताजुब है, लेकिन केंद्रीय नेताओं को भी बिला वजह इसमें घसीटने की कोशिश हुई है कि एक तरफ कोरोना के प्रहार ने राजस्थान के लोगों के बीच में त्राई त्राई मचाई हुई है और दूसरी तरफ सरकार एक बार फिर से रिसोर्ट में बंधक और कैद होकर फुटबॉल खेल रही है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं ये मानता हूं कि ये समय है कि सरकार अपने विवेक से इस बात का तो आकलन करे कि कोरोना की इस विभीषिका में, इस महामारी में राजस्थान की तमाम गतिविधियां ठप हैं, लगातार संक्रमण बढ़ रहा, ये पता नहीं लग रहा सरकार है या नहीं।